हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ये कुछ बच्चे ना लिखते हैं, मतलब मेरे सवाल का आंसर मस्त है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का जीवन कैसा था? मस्त। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लाइफ कैसी थी? मस्त। मेन्स का आंसर तैयार। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो आज की जो क्लास होगी, इम्पोर्टेंट रामसर साइट्स ऑफ इंडिया, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव है ना। पढ़ना ये मतलब अच्छा टॉपिक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जो है ये टॉपिक काम तो आएगा ही आएगा जो है। इसको थोड़ा मैपिंग से पढ़ेंगे और पोलिंग भी हम लोग करेंगे इसमें, ताकि चीज़ें जरा याद हो जाएं, टेस्टिंग हो जाए खुद की। ठीक है, बिल्कुल। देखते हैं, पहुंचते हैं, आगे करते हैं कि क्या है ये। वॉइस कम आ रहा है? नहीं यार, वॉइस वॉइस तो तेज होना चाहिए, मतलब तेज भी होगा, बुलंद भी होगा। हाँ वही तो, मतलब। और जिन लोगों को ठीक आती है वो बता तो दिया करो कि मतलब ठीक ही आ रही है आवाज करके। चलो, तो रामसार साइट्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। अब ये है क्या, इसको भी हम लोग समझेंगे, मतलब इंडिया में और वर्ल्ड के पैटर्न पे क्या इनका इम्पोर्टेंस है। और इसके साथ साथ कोई भी नया लर्नर हो जिसे अनएकेडमी कॉम्बैट के बारे में पता नहीं है, तो ध्यान रहे, हर संडे अनएकेडमी की ओर से एक टेस्ट होता है सुबह 11 बजे। ये बिल्कुल फ्री टेस्ट है, कोई भी लर्नर इसको दे सकता है। बस आपको एनरोल करना होता है अनएकेडमी ऐप से। वो यदि आपसे कोड मांगता है तो यू कैन यूज दिस कोड। इसके साथ साथ जो है अनअकैडमी पर आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से लाइव क्लासेस पढ़ के। 26 मई, 26 मई से, परसों से नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं। ये फिनिक्स बैच होगा। फिनिक्स बैच में इस बार जो प्रीलिम्स शिफ्ट हुआ है उसको समय देखते हुए मेंस और प्रीलिम्स दोनों की तैयारी आपको अभी से शुरू करा दी जाएगी इस बैचेस के माध्यम से। और आइकॉनिक प्लस दोनों ऑप्शंस होते हैं सब्सक्रिप्शन के दौरान। आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर एक्सेट्रा आपको मिलता है अकेडमी की ओर से। और प्लस में आपको जो भी लाइव क्लासेस हैं, आस्क डाउट फीचर, एवरीथिंग, सभी आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके साथ साथ जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यू कैन यूज दिस कोड। इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, SGYT10। इस कोड के इस्तेमाल करने से आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं। अब आज की जो क्लास है हम लोगों की, रामसार साइट्स ऑफ इंडिया पर है। आधे टाइम, मतलब एज अ न्यू लर्नर मैं अपने आप को देखूं कि मान लीजिए कि पहली बार इस टॉपिक को मैं देखूंगा, तो मुझे आधे टाइम तो समझ में नहीं आता कि ये है क्या, मतलब कहना क्या चाहता है लेखक, है ना। बिल्कुल। तो सही बात है। और ये नाम रामसारी नाम क्यों आया, मतलब और कुछ आ जाता, मतलब है ना। तो देखेंगे हम लोग कि ये सब चीज़ें हैं क्या। तो सबसे पहली बात, तो रामसार जो शब्द आया है ये किसी का नाम नहीं है, ये एक प्लेस का नाम है, जगह का, स्थान का नाम है ये। और ये स्थान हमें मिलता है ईरान में, ठीक है, ईरान में। क्योंकि पहली बार जो लर्नर सुनेगा वो रामसार शब्द सुन के भी उसको लगेगा यार ईरान में, ऐसे कैसे ईरान में, मतलब पहले तो यही भरोसा नहीं हुआ कि यार ये जो है ये एक प्लेस है। समझिए आप मेरी बात, ध्यान रखना ये एक प्लेस है। रामसार जो है, ये रामसार आपको मिलेगा ईरान में। और इसी स्थान पर एक मीटिंग हुई है, जी हाँ। तो उस मीटिंग से आप मान के चल सकते हैं कि कनेक्शन इसका कुछ है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। साइट्स मतलब स्थान, और ऐसे स्थानों के बारे में आप बात कर रहे हैं जो रामसार उस मीटिंग या उस कन्वेंशन के तहत आते हैं। अब ये है क्या, इनको हम समझेंगे। और नो डाउट इनडायरेक्टली इस पूरी सेंटेंस का एक शॉर्ट फॉर्म बनाऊं मैं,
तो वो जो निकल के आएगा वो आएगा वेटलैंड। ठीक है, वेटलैंड मतलब जिसको हम कहते हैं आर्द्र भूमि। अब आधे टाइम तो ये भी समझ में नहीं आता कि आर्द्र भूमि या वेटलैंड है क्या। ठीक है, उनको अभी जरा हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो मेरे कुछ सवालों का आंसर दीजिए। मतलब जहां भी आप लोग रहते होंगे आसपास कभी ना कभी आपने कोई वाटर बॉडी सुनी होगी। वाटर बॉडी है ना, मतलब जैसे कोई लेक सुन लिया होगा। या मैं पहले यहाँ शब्द को जरा और डिफाइन कर देता हूँ, वेट और लैंड। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ पर दो चीजें हैं। वेट मतलब मेरे लिए वाटर हो गया, और लैंड मतलब एक ऐसा जगह या स्थान का नाम, कोई प्लेस हो गया। मतलब अ लैंड विच इज कवर्ड बाय वाटर। ठीक है, समझिएगा, इसको हिंदी में भी आप ऐसे लिख सकते हैं ना, आर्द्र और भूमि। मतलब एक ऐसा स्थान, एक ऐसा लैंड मास दैट इज कवर्ड बाय आर्द्रता, वाटर। कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल। तो रामसार साइट्स जो हैं वो डील करती है वेटलैंड्स को लेकर, और वेटलैंड मतलब समझ जाइएगा कि अ लैंड विच इज कवर्ड बाय वाटर। अब आप फील करिए वो हर चीज जहां पर लैंड और वाटर का कनेक्शन होता है। लैंड और वाटर का कनेक्शन होता है मतलब क्या, जैसे लेक झील जो हम लोग जनरली कहते हैं। ठीक है, कोई एक छोटा सा तालाब जो होता है, पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें, पॉन्ड हो गया कहीं, मान लो दलदल है, मान लो मतलब फॉर एग्जाम्पल पीटी मार्शी एरिया है, डेल्टा का क्षेत्र है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई लगून लेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लगून मतलब जो समुद्र के किनारे होते हैं। मान लीजिए कोई रिवर हो गई, नदी भी तो हो सकती है ना, क्योंकि रिवर में बोल दो, डेल्टा में बोल दो, लेक में बोल दो, पॉन्ड बोल दो, लगून बोल दो, ये सब अपने आप में वेट और लैंड मतलब लैंड मास दैट इज कवर्ड बाय वाटर। जल जहां पर और स्थल जहां पर मिल जा रहा है वो वेटलैंड बन गया है। अब समझ में आ गई मेरी बात यहां तक? कोई दिक्कत किसी को? तो वेटलैंड वर्ड को आपको समझना होगा कि एक ऐसा एरिया, सिंपल सी बात है कि अ प्लेस वेयर द लैंड इज कवर्ड बाय वाटर, दैट इज योर वेटलैंड। मतलब सर आपका कहने का ये हुआ कि मैंने आज तक जीवन में जितने भी लेक सुने हैं, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं मध्य प्रदेश का हूं, तो मैंने मान लो भोपाल का भोजताल सुना है। मान लीजिए मैं महाराष्ट्र का हूं, तो मैंने कभी लोनार लेक तो जरूर सुना होगा। मान लीजिए मैं कभी गुजरात का हूं, तो मैंने नल सरोवर वर्ड जरूर सुना होगा। मान लीजिए मैं महाराष्ट्र का हूं, तो मैंने गोदावरी नदी सुनी है। मान लीजिए मैं यूपी का हूं, तो मैंने गंगा नदी सुनी है। मान लीजिए मैं उड़ीसा का हूं, तो मैंने जो है महानदी का नाम सुना है। तो सर ये जितने भी मैं प्लेसेस या कुछ जगहों के नाम या कुछ ऐसी स्थिति का नाम ले रहा हूं, उसमें कॉमन चीज है कि वाटर भी है और लैंड भी है। तो क्या ये जितने लेक मुझे दिखाई देते हैं, या जितनी नदियां दिखाई देती हैं, जितने तालाब दिखाई देते हैं, जितने डेल्टा रीजन्स दिखाई देते हैं, जितने दलदल दिखाई देते हैं, जितना वाटर वाली जगह जो भी दिखाई देती है, वो क्या हर चीज वेटलैंड है? जी हाँ सर, हर चीज वेटलैंड, वो हर चीज वेटलैंड होगी। हर चीज आर्द्रता भूमि मतलब आर्द्र भूमि रहेगी। ओके सर, तो अब इस वर्ड में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? अब आप मुझे बताओ कि यदि मैं आपसे आपका एज अ ह्यूमन हैबिटेट पूछूं, तो आप कहेंगे सर जमीन तो चाहिए अपने को, पानी में तो नहीं रहोगे आप कि ओशियन में जाके रह रहे हो। ठीक है, कोई मान लीजिए लॉयन का या कोई भी बर्ड का हमने हैबिटेट पूछ लिया, तो उसकी एक उसका एक स्थान होगा ना रहने का। तो वैसे ही लेक्स हो गए, ठीक है, तालाब हो गए, और उसके बाद में मान लीजिए कि लेक्स के बाद में फॉर एग्जाम्पल यदि बात करें हम लोग, तो कोई रिवर हो गई। तो ये जो सब चीजें हैं, ये भी तो किसी ना किसी चीज का हैबिटेट होंगी ना, किसी ना किसी चीज का, या कहीं ना कहीं एक तरह से आवास जिसको हम कह सकते हैं, कोई भी प्रजातियों। ओके सर, अब आप मुझे बताइए कि आवास में सब लोग मतलब नॉर्मली रह रहे हैं, सब जीव जंतु जो हैं वो रह रहे हैं, उसमें से यदि कुछ जीव जंतु चले जाएं, नष्ट हो जाएं, या उनका संरक्षण नहीं आप कर पाए, तो वो जो फूड चेन
चेन है जो खाद्य श्रृंखला है या उस पर डिपेंडेंट दूसरे जो जीव हैं उनका जीवन भी खतरे में आ जाएगा। समझिए आप मेरी बात। मान लीजिए कि कोई स्मॉल फिश है, उसको एक लार्ज फिश खा रही है और लार्ज को और लार्ज फिश खा रही है, किसी कारणवश ये स्मॉल फिश खत्म हो जाती है इस तालाब से, तो आप देखते हैं ये सारी मछलियां जो हैं वो खतरे में आ जाएंगी। अब आप समझिए कि क्या इस लेक का या इस लेक के कंजर्वेशन का इम्पोर्टेंस है कि नहीं है। बिल्कुल है सर। अब उसी में इस बात पे यदि मैं आऊं तो एक बात से आप सभी लोग सहमत होंगे कि ऐसे पानी वाली झीलें, ऐसी पानी वाली जो तालाब वगैरह की जो बात कर रहे हैं, इंडिया में तो लाखों होंगी, ऐसे लाखों करोड़ों हैं, मतलब कंपेरेटिवली एक स्मॉल से बड़े लेवल पे वाटर बॉडी पे तो बहुत है, गिनती नहीं है, बहुत ज्यादा लाखों में मिलेंगे आप। बट कुछ ऐसी भी हैं, ध्यान से सुनिएगा मैं जो कह रहा हूं, ठीक है, कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जो कि बहुत बड़े बड़े हैबिटेट होंगे, बड़े घर होंगे, जो बड़ी बड़ी प्रजातियों को या बहुत सारी काउंटिंग में अलग अलग जीव जंतुओं को सपोर्ट करते होंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम कोई एक लोकल प्लेस पर रह रहे हैं और उसके उस क्षेत्र में कोई रिवर फ्लो कर रही है, कोई लेक है छोटा सा जो है, लेकिन थोड़ी दूर के बाद देखोगे तो एक बहुत बड़ा लेक है, तो ए और बी में से ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंस किसका हो गया? ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंस किसका हो गया? बिल्कुल इस बी का ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया। चलो मान लो अभी भी नहीं समझ में आता, मान लीजिए कि यहाँ पांच फिशेस जो हैं उनका घर है और यहाँ पर डेली 20,000 से ज्यादा फिशेस और वाटर बर्ड्स पक्षियों का आश्रय है यहाँ पर, तो आप बोलेंगे कि सर ये बी का इंपॉर्टेंस क्या है, ज्यादा है। प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं लगता आपको कि बी का कंजर्वेशन करना बहुत जरूरी है? ये बात सही होगी क्या कि आप घूमने गए और कुरकुरे खा के वहीं फेंके आए कि मुझे क्या होता है, मेरे घर में थोड़ी जा रहा है। कंजर्वेशन जरूरी है, कंजर्वेशन तो करना होगा। तो ये जो रामसार है, ये जो प्लेस है ईरान में, यहाँ पर इसी बात की मीटिंग हुई है, इसी बात से लोग बैठकर इन्होंने यहाँ चर्चा करी कि दुनिया में, एक किसी देश में नहीं, दुनिया में आज ऐसे बहुत सारे लेक्स हैं, बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं जो हजारों पक्षियों के लिए, हजारों फिशेज के लिए अलग अलग प्रजातियों का जो है हैबिटेट बना हुआ है, और इतना बड़ा हैबिटेट और यदि इनका कंजर्वेशन नहीं हुआ तो बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो खतरे में आ गई हैं और आ जाएंगी। तो क्या लगता है अब ऐसे इंपॉर्टेंट साइट्स का कंजर्वेशन करना होगा कि नहीं होगा? अब कंजर्वेशन कब करोगे? जब लोगों को पता लगेगा, लोगों का उसको महत्व तो पता लगेगा। मान लो मैंने कहा कि चिल्का लेक एक ऐसी झील है जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में वाटर बर्ड्स आते हैं, 20,000 से ज्यादा अलग अलग पक्षी जो है यहाँ पर अपना आश्रय दिखाते हैं, अलग अलग ऑलिव रिडली सी टर्टल्स, फिशेज, सब चीज यहाँ पर मिलेंगी। तो जब तक लोगों को ये पता ही नहीं होगा, उसके बारे में महत्व नहीं पता होगा, तो उसका कोई कंजर्वेशन क्यों करेगा? तो ये जो रामसार साइट्स हैं या जो ये रामसार जो प्लेस था ईरान में, यहाँ पर जो लोग बैठे और लोगों ने ये निर्णय लिया कि अब जो है सारी दुनिया के इस तरह के जो वेटलैंड जिनका अपना खुद का इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस कैसे कि कोई वाटर बॉडी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ऐसी प्रजातियों को सपोर्ट कर रही है जो बहुत खतरे में है, तो बिल्कुल उसका ध्यान रखना जरूरी होगा। ऐसा तालाब, ऐसी झील, ऐसा वेटलैंड जो कि डेली मान के चलिए 20,000 से ज्यादा वाटर बर्ड को सपोर्ट करता है, तो उसका कंजर्वेशन जरूरी है। कोई ऐसा वेटलैंड है कि मान लीजिए, या ऐसी जगह है, या कोई ऐसा लेक है, या कोई ऐसी रिवर है जहां पर आपको ऐसी स्पीशीज मिल रही है जो कि बहुत रेयर है, यूनिक एग्जाम्पल है नेचर में, यदि उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो चीज बिल्कुल हट जाएगी वहां से, तो उस पर ध्यान देने के लिए। तो इस तरह के कुछ क्राइटेरियाज बनाए गए कि यदि कोई लेक इनमें से कोई एक भी चीज को सपोर्ट करता है तो उसका कंजर्वेशन बहुत जरूरी हो जाएगा। अब लोगों तक बातें कैसे पहुंचेगी? तो इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस,
लोगों तक बात पहुंचाने के लिए, उसका महत्व बताने के लिए इस कन्वेंशन को लाया गया। रामसार कन्वेंशन एक वो कन्वेंशन है, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है देशों के बीच में, कि आपको वेटलैंड्स का सही ढंग से इस्तेमाल करना होगा, सस्टेनेबल यूज करना होगा। सस्टेनेबल यूज इन द सेंस कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी उसका सिर्फ डायग्राम ना बनाए, उसको देखे, उसको कंजर्व करे, उसका महत्व पहचाने। बिल्कुल, तो सस्टेनेबल मतलब समझ गए होंगे आपकी धारणीय विकास, उसका बहुत जरूरी है। आ गई बात समझ में? इसके बाद में यदि बात करें तो रामसार शब्द समझ में आ गया, ईरान में था, और ये कन्वेंशन जो साइन किया गया था 1971 में, डेट में हालांकि 2 फरवरी होगी, तो तभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम से बनाया जाता है 2 फरवरी। ये क्यों बनाते हैं दिवस? इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस, लोगों को पता लगे कि ऐसी कुछ चीज होती है, ध्यान दो। तो डेफिनेटली आप इस बात को समझिए। और यदि हम लोग बात करें तो ऐसे फिर क्या हुआ, फाइनली डिसाइड होता है कि हर देश में कुछ ना कुछ तो ऐसे लेक्स होंगे जो बहुत ज्यादा बड़े बर्ड्स इनको सबको सपोर्ट करते होंगे, काउंटिंग शुरू होती है और साइट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो लगभग लगभग ये पता लगता है कि यूनाइटेड किंगडम में तो बहुत ज्यादा खतरे की बात है, 175 सबसे ज्यादा साइट्स मिलेंगी आपको, 142 जो है मेक्सिको में मिलेंगी, इंडिया में भी 42 के आसपास मिलेंगी आपको। बोलीविया वो देश है जहां सबसे ज्यादा रामसार का एरिया वाइज प्रोटेक्शन किया जाता है। तो अब इसमें खुशी मत मनाना कि यूके 175 है तो रैंक 1 में है, खुशी मनाने वाली बात नहीं है, ये उल्टा है थोड़ा सा। ज्यादा साइट्स मतलब समझ रहे हो, ज्यादा लेक्स खतरे में है वहां पर, ऐसा समझना है। इंडिया में 42 है तो खुशी नहीं मनानी है कि और 42 रामसार साइट मिल गए इंडिया को, वाह नहीं। ये वो चीज है कि ये चीज दिखाती है कि कितना ज्यादा जो है कंजर्वेशन की आवश्यकता है। तो जब यदि ये कन्वेंशन नहीं होता तो लोगों तक ये बातें पहुंच पाती क्या? उसका कभी कोई ऐसी साइट्स, 42 साइट्स आइडेंटिफाई इंडिया में हो पाती क्या? ऐसी साइट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद कंजर्वेशन के लिए फंडिंग भी लगती, बहुत सारी चीजें, पैसा चाहिए, सब चीजों का जो है सपोर्ट होगा। इस तरह से अब रामसार, एटलीस्ट आपको 2-3 सवाल इतने डिस्कशन से क्लियर हो गए कि कल को कोई मुझसे पूछे कि रामसार कन्वेंशन किस चीज के लिए, तो मैं कह सकता हूं ना कि सस्टेनेबल यूज या कंजर्वेशन करने के लिए वेटलैंड्स का। कहां पर कब साइन हुआ? तो स्टेट पीएससीज के लिए 1971 2 फरवरी याद रख सकते हैं। स्टेट पीएससीज में एक सवाल ये भी आ सकता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, याद रहेगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी 2 फरवरी को। कोई दिक्कत यहां तक? बहुत बढ़िया। अब जनरली यदि बात करें हम लोग तो लगभग लगभग सबसे ज्यादा साइट्स कहाँ मिलती हैं? तो यूके में मिलती हैं। एरिया वाइज सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो बोलीविया में। क्या ये इसके बाद कभी कोई मीटिंग नहीं हुई? बिल्कुल होती रहती है समय समय पर। अब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, जब भी मीटिंग होगी आपको पता लग जाएगा, आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा कि भैया हाँ, रामसार साइट्स के लिए फिर से कुछ जो है कन्वेंशन की मीटिंग हो रही है। आ गई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब कितने मेंबर्स रहेंगे? तो नो डाउट 171 के आसपास जनरली ऐसे देश हैं जो जिन्होंने आपस में मिलकर ये डिसीजन लिया। ओके सर, तो ये बेसिक बातें थी। तब आपको वेटलैंड क्या होता है, रामसार कन्वेंशन क्या है, क्यों यूज किया गया है, किस चीज के लिए, क्या उद्देश्य है, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत? और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान नहीं दिया होगा शायद, लेकिन एक्चुअल में आपको समझ में आ चुकी है कि क्या मेरे घर के आगे मिलने वाला लेक आपके घर के मिलने वाला लेक या हर जगह जो भी लेक है, हर कोई रामसार में आ सकता है क्या? नहीं, तो गवर्नमेंट में लिखा है वहां पर यह रामसार साइट है, देखने की भी कोशिश ना करें, आंखें निकाल ली जाती हैं। फिर आप सवाल आना चाहिए आपके दिमाग में कि ऐसे कैसे कि कौन सी साइट को रामसार कहें। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि कुछ क्राइटेरियाज इन लोगों ने डिसाइड किए होंगे, वो क्राइटेरिया में से कोई भी क्राइटेरिया यदि फुलफिल होता है, समझ में आ गई अब मेरी बात? तो क्या हर साइट रामसार साइट हो सकती है क्या? फिर दिमाग में आएगा कि चलो सर, इंडिया एज ए इंडिया, भारत जो है क्या सिर्फ तभी जागा जब रामसार साइट की बातें हुई? इंडिया ने खुद अपना कुछ ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया क्या वेटलैंड को लेकर? बिल्कुल लिया है सर, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया गया था 1985-86 से, और मोर देन 100 साइट्स इंडिया ने भी आइडेंटिफाई की हुई है कि नहीं इनका कंजर्वेशन करना है, जिनको अर्जेंट कंजर्वेशन की जरूरत है। बिल्कुल, तो कहने का मतलब यह है कि इंडिया की तरफ से भी कुछ लागू चीज है क्या? तो बिल्कुल है सर, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम
ठीक है, कॉप क्या है सर, घबरा गए, ये कोई पुलिस वाले नहीं है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये जो 171 देश जो आपस में मिलते हैं, ये जो लोग हैं वो पार्टीज जो हैं उनको हम कह रहे हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो आपको ये वैसे भी बहुत ज्यादा हर जगह कॉप मिलता है, कॉप 13, कॉप 14, मतलब 14th नंबर की मीटिंग, 15th नंबर की मीटिंग, ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। अब इसमें मैंने पुलिस बोल के ये क्यों ऐसा कहा, मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, दिमाग में बैठ गई बातें, अब याद रहेगी इस बहाने आप लोग, ठीक है। चलिए, नहीं तो कहीं और रास्ता मत अपना, सर ने ऐसा क्यों बोला, ऐसे क्यों बोलते हैं सर, उधर विचार अपने मत ले जाना, यहीं रहो, अभी बहुत पढ़ना है अभी अपने। अब इस पैटर्न को तो हम समझ गए कि रामसार क्या होता ही है। अब उसमें भी इन्होंने क्या करा, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल इंडिया, मैंने अभी एग्जाम्पल दिए कि हमने ऐसे इंडिया में 42 साइट्स आइडेंटिफाई की हुई हैं ऑन एन एवरेज, और ये अपडेट होती रहती है साल में, नई नई आती रहती है, तो वो पढ़ने के बाद आप खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। तो अब 42 में से खुद सोचिए कि कुछ तो ऐसी होंगी ना जो बहुत ज्यादा खतरे में होंगी। सबका क्या लेवल ऑफ कंजर्वेशन एक जैसा होना चाहिए, मतलब या खतरा जो है सब में एक जैसे ही मिलेगा, नहीं। तो कुछ ऐसी साइट्स भी होंगी ना जिनको बहुत ही एकदम, जिसको आप कह सकते हो कि तुरंत कंजर्वेशन की जरूरत है, और अचानक देखते ही देखते जो है बहुत जल्दी ये डिस्टर्ब हुई है। तो यहां पर हमने दो साइट्स ऐसी आइडेंटिफाई की है इंडिया में जो कि बहुत ज्यादा खतरे में है। अच्छा सर, अब ये क्या नई चीज आ गई, मैं बात कर रहा हूं द मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में। रामसार साइट्स के अंतर्गत एक नई चीज आती है, दैट इज कॉल्ड एज मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। किसी लेक पर, किसी वेटलैंड पर, किसी रामसार साइट पे मॉन्ट्रेक्स का तिलक लग जाना, ये बात को दर्शाता है कि भैया इसका कंजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, ये मतलब पिछले कुछ समय में बहुत ज्यादा खतरे में है। मतलब समझिए कि यदि एक साइट मान लो फॉर एग्जाम्पल, सुनिएगा, ए है, एक साइट बी है, एक साइट सी है और डी है, और मैंने बोला कि बी और डी जो है वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की साइट है, तो मतलब समझिए इस बात का क्या है। इस बात का ये मतलब है कि ये जो बी और जो डी है ये ऐसे वेटलैंड हैं जो कि जिनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है। किन कारणों से? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, प्रदूषण, ह्यूमन इंटरफेरेंस, कुरकुरे फेंक कर आना। समझ में आ गई बात? तो किसी पे यदि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड लग गया है मतलब वो ज्यादा खतरे में है। इसका मतलब भारत में यदि मैं केवला देव नेशनल पार्क, जो कि मुझे मिलेगा कहां पर, राजस्थान में, लोकतक लेक जो कि मुझे मिलेगा मणिपुर में, और मैं कहूं कि ये दोनों जगह जो है वो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आती हैं, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि ये बहुत ज्यादा खतरे में है। इनमें सबसे ज्यादा कंजर्वेशन एफर्ट लगाने की जरूरत है। समझ में आ रही बात? ऐसे छात्र जो 7 बजे से बिल्कुल टाइम से बैठे हैं मेरी क्लास में, डेफिनेटली चीजें समझ में आ रही होंगी आप। तो सर, क्या एक बार कोई साइट यदि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आ जाएगी तो क्या हमेशा जीवन भर चलेगी? नहीं प्रभु, ऐसा नहीं है। उड़ीसा में चिल्का लेक एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो कभी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आकर निकल चुका है। चिल्का लेक यदि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से बाहर आ गया, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि इसका समय से कंजर्वेशन कर लिया गया, और ये हम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट का एग्जाम्पल है। समझ में आ गई मेरी बात? बट रामसार से भी बाहर नहीं हुआ, ध्यान रखना, नहीं तो आप सोचो कि जो है उसको तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो लोग फिर भूल जाएंगे ना। तो वो चीज तो एक परमानेंट वाली चीज है कि मान के चलिए कि उसको तो रखना ही होगा, तभी तो जो है। तो अब क्या आपको वेटलैंड वर्ड, रामसार साइट, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, मॉन्ट्रेक्स शब्द भी जो आया एक शहर से आया, और कौन बुद्धिजीवी मुझे बताएगा कि मॉन्ट्रेक्स सिटी कहाँ पड़ते हैं हम लोग? यूरोप में जाना पड़ेगा, स्विट्जरलैंड में जाना पड़ेगा। ओ भैया, ये मॉन्ट्रेक्स लिखा है, मॉन्ट्रियल नहीं लिखा है मैंने, मॉन्ट्रियल कनाडा में, ये स्विट्जरलैंड में जाना पड़ेगा आपको। ध्यान दें, ध्यान दें, ध्यान दें, ये मॉन्ट्रियल नहीं है, मॉन्ट्रियल कनाडा में है, पंजाब में।
जी हाँ, ये मॉन्ट्रैक्स है, इसके लिए आपको स्विट्जरलैंड जाना पड़ेगा, यूरोप जाना पड़ेगा, समझ रहे हो मेरे शब्दों को। चलो ठीक है सर, अच्छा बता दिया आपने मेरे लिए, तो अभी तक दोनों एक ही भाई भाई लग रहे थे कि मॉन्ट्रियल का पड़ोस का एरिया मॉन्ट्रैक्स कहलाएगा, बट ठीक है कोई बात नहीं। और ऐसा ऐसे टेंशन में मत आया करो कि नहीं पता है तो मतलब रजिस्ट्री छीन ली सर ने, नहीं पता है तो नहीं पता है, अब पढ़ लिया है मैंने, अब याद रखूंगा सर। नहीं तो परेशान होकर टेंशन में आकर खाना नहीं खा रहा है मुझसे, मेरा क्वेश्चन गलत क्यों हो गया। वो हम आधी चीजें हमारे ऊपर होती हैं कि हम एक्चुअल टेंशन लेना चाह रहे हैं कि नहीं ले चाह रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो अब आपको पूरी पिक्चर समझ में आ गई। अब अगला काम सर क्या होगा? अगला काम भैया अपना ये है कि ये जो सामने मैप दिखाई दे रहा है, इसमें आप लोग ब्लैंक मैप जहां दुनिया के लिए दिखता है, आपको सारी रामसार साइट्स पता होनी चाहिए मैप से कि किस राज्य के पास कितनी साइट्स हैं, कहां पर हैं। एग्जाम में नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट अरेंजमेंट आ सकता है। अभी सिर्फ आपको लेक्स याद करने हैं, वहां पर कौन सी स्पीशीज मिलेगी, कौन से क्या मिलेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको जब मैं नेशनल पार्क वाली क्लासेस लूंगा अपकमिंग वीक्स में, तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि इन क्षेत्रों में क्या मिलेगा। तो जो भी आज का काम क्या है हमारा कि रामसार साइट मैपिंग्स में अपने को संभाल लेने हैं, मैपिंग में संभाल लेने मतलब हमें पता होनी चाहिए कि कहां पर कौन कौन से हैं। सुन लिया? जितने बच्चे बैठे हो पूरी रामसार साइट ध्यान से पढ़ना सुनना, क्यों? क्योंकि ये है कि ब्लैंक मैप में मैं आपसे पोलिंग करवाऊंगा, आज पूछूंगा कि बताओ ये लेक कौन सा है और कहां पर है। ठीक है, बिल्कुल शुरू करते हैं। सबसे पहले रामसार साइट हम लोग केरला से, केरला समझ में आ गया? दो तरीका है आपके पास पढ़ने का, या तो पूरा ध्यान यहां दे लो, या एक दो बार कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कर लो, या कमेंट में लिख लो, जैसा भी लगे आप। हाँ जी, तो सबसे पहले आप लोग जरा आएंगे केरला में, तो क्या आपको ये तीन डॉट्स दिखाई दे रहे हैं सभी लोगों को? पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तीनों के नाम देखिए, वेम्बनाद, कोल वेटलैंड, कोल मतलब लेगून लेक जो होते हैं, जो समुद्र के किनारे रहते हैं, खारा पानी जो होता है, नमकीन पानी जिसको आप कहते हैं, लवणीय जल बोल सकते हैं, सलाइन वाटर बोल सकते हैं, जो बोलना चाहे ठीक है, कोई दिक्कत। तो वेम्बनाद लेक, दूसरा लेक होगा सस्टम कोट्टा लेक, और भैया इनको जरा बोल के देख लेना भाई, जो कि केरल के होंगे उन्हें तो कोई समस्या नहीं बोलने में। अब जो नॉर्थ इंडिया तक पहुंच गए हैं, ये शब्दों को एक दो दिन अपने नाम रख के घूमना कि माय नेम इज अष्टमकोट्टा, दूसरे दिन माय नेम इज अष्टमुडी, ऐसे बोलिएगा, जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें घमंड मत करना कि अरे सर इसमें क्या दिक्कत है, वेम्बनाद अष्टमकोट्टा अष्टमुडी तो मैं यूं ही याद कर लूंगा, केरला में है मेरे लिए। तो मैं कहता हूं कि यदि आपसे उसने नॉर्थ से साउथ का सीक्वेंस पूछ लिया ना, इकट्ठे हो जाओगे, इसलिए थोड़ा सा क्या करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड यही रखो और ध्यान से उसको याद करो। बिल्कुल, कि सर नॉर्थ में वेम्बनाद कोल है, दूसरा जो है उसके बाद में सस्टम कोटा है, और तीसरा जो है वो अष्टमुडी लेक है, कोई समस्या? और आपके लिए मैं बता देता हूं, ये जो सस्टम कोटा है ये लगून लेक नहीं है, ध्यान रखना, ये थोड़ा अंदर है, वेम्बनाद अष्टमुडी किनारे पर है। ठीक है, तीनों नाम थोड़े से याद हो गए ताकि सर ब्लैंक मैप में पूछें तो एटलीस्ट आंसर लगा पाए कि ये केरला है, बजाय शर्त ये है कि केरला पता होना चाहिए कि कहां पर है। इतना तो आता है, अभी पता लगेगा कितना आता है। चलिए अगला नेक्स्ट वन, तमिलनाडु। तमिलनाडु में आ जाओ, तमिलनाडु में जैसे ही आप आएंगे तो नेक्स्ट वन इज पॉइंट कैलिमेर वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी। ये तीनों लेक हैं और ये बिल्कुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये पॉइंट कैलिमेर वैसे भी पढ़ते हैं हम लोग, याद करो यहाँ पर किसी ने पुरानी क्लास में नेशनल पार्क पढ़े होंगे तो यहाँ पे सी काऊ पढ़ा था आपने, याद है, डुगोंग, तो यहाँ की वो मेन स्पीशीज हो जाएगी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप नेशनल पार्क पढ़ोगे ना तो आसपास के एरिया वैसे ही पढ़ते हो तो चीजें आपको सब समझ में आ जाएंगी। तो पॉइंट कैलिमेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को थोड़ा सा याद रखना है लोकेशन वाइज की कहाँ पर है। बिल्कुल, अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला राज्य की तरफ जा रहा है, ये है आपके लिए क्या, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक लेक दिखाई दे रहा है, कोल्लेरू लेक। कोल्लेरू लेक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोल्लेरू लेक लेगून लेक नहीं है, ध्यान से सुनेंगे।
सॉरी सर फॉर द इंटरप्टिंग, आई हैव कंप्लीटेड योर ऑल कोर्सेज, प्लीज टेल मी व्हाट शुड आई डू नाउ। आंसर राइटिंग सीख लो, एक कोर्स मिल जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में। चलिए तो कोल्लेरू लेक, तो सर अब इसका क्या करें हम लोग, तो ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। यदि मान लो आपके सामने ए दिया मैंने, एक ऑप्शन बी दिया, एक ऑप्शन सी दिया, एक ऑप्शन डी दिया, अब आप मुझे बताओ कि ये चारों में से कौन से लेगुन लेक हैं और कौन से लेगुन नहीं है। लेगून लेक जिन छात्रों को नहीं पता है वो अभी आप इतना सीख सकते हैं कि लेगून जो समुद्र के किनारे होते हैं, तो ए जो है लेगून लेक होगा, बी लेगून लेक होगा, सी और डी इज नॉट लेगून। सस्टमकोट्टा और कोलेरू लेक जो है वो लेगून लेक नहीं है। एक मिनट सर, ये तो मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन मैंने एक चीज और देख ली कि सर तेलंगाना और कर्नाटक में रामसार साइट्स हैं क्या? ऐसे सवाल भी आ सकते हैं कि किसमें है और किसमें नहीं है स्टेट वाइज। मान लो मैं आपके सामने ए ऑप्शन दूं, बी दूं, सी दूं और डी दूं, ई दूं, और पूछूं कि कहाँ कहाँ पर जो है रामसार साइट है और कहाँ नहीं है, तो सर पता होना चाहिए तेलंगाना और इन क्षेत्रों में। क्लियर हो गई ना बात? जरूरी नहीं कि नाम आ जाए, वो तो ये सवाल पूछ लिया मतलब उसने पूरा ज्ञान ले लिया आपसे। ये आपको तभी बन पाएंगे ना जब आपको एक्चुअल में पता होगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए देख लेते हैं, एक बार चेकिंग कर लेते हैं कि व्यवस्था जो है कहाँ तक जा रही है। ये आपके जीवन में मान लीजिए पोलिंग में ये ए आंसर हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और मैं आपसे अचानक आके पूछूं कि एक काम करो आप तो मुझे कोल्लेरू लेक बता दो, कोल्लेरू लेक, तो कोल्लेरू लेक कहाँ जाओगे आप? कोल्लेरू लेक के लिए आपको जाना पड़ेगा, हाँ कोल्लेरू लेक ये है भैया यहाँ पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आप मुझे बताएंगे कि सस्टम कोटा अष्टमुडी वेम्बनाद जैसे शब्द कभी सुन लोगे तो कहाँ होगा? सस्टम कोटा अष्टमुडी, बिल्कुल कोई दिक्कत अब यहाँ तक, कोई समस्या किसी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, तीन चीजें समझ में आ गई, आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा ध्यान तेज रखना। कमिंग टू द महाराष्ट्र, हाँ ट्रिक है ना कोई सर, ट्रिक ही भागना और ट्रिक के पीछे ही भागना जो है जीवन भर, बनना कलेक्टर है और ट्रिक से सिलेक्शन ले लेना आप। ये नहीं कि दो बार मेहनत ज्यादा कर लूंगा सर, प्रैक्टिस कर लूंगा और याद कर लूंगा ट्रिक। महाराष्ट्र में आएंगे, महाराष्ट्र में आओ, और महाराष्ट्र में ये रिसेंटली जुड़े हैं पिछले 1-2 सालों में, नंदुर माधवेश्वर, दो तीन बार बोलोगे समझ में आ जाएगा, नंदुर माधवेश्वर। और लोनार लेक कब पढ़ते हैं हम लोग? हिंदी में भी बताओ सर, हाँ बहुत बढ़िया शाबाश, ये लो तो ध्यान रखेंगे, नंदुर माधवेश्वर और लोनार झील जो है ये अपने आप में ये नाम है, इनके हिंदी में कैसे होंगे, इनको नॉर्मली आप पढ़ सकते हैं। तो नंदुर माधवेश्वर और लोनार लेक जो होंगे वो कहाँ होंगे? महाराष्ट्र के होंगे। ध्यान रखिएगा, नल कहाँ लगा हुआ है? नल कहाँ लगा हुआ है? नल सरोवर। नल कहाँ लगा हुआ है? गुजरात में लगा हुआ है, तो ये नल सरोवर हो गया, बिल्कुल। और राजा भोज कहाँ की कहानी है? बचपन में कभी सुनी हो तो, कोई कहानी नहीं थी ना, नॉर्मली नाम पढ़ लो, क्या है? भोज वेटलैंड, जी हाँ कहानी पढ़ी नहीं, यहाँ कर दिया। भोज वेटलैंड को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये भी रामसार साइट है। कल को कोई बोले कि छत्तीसगढ़ में रामसार साइट्स हैं, नहीं है। तेलंगाना में रामसार साइट है, नहीं है। कर्नाटक में रामसार साइट है, नहीं है। महाराष्ट्र में और गुजरात में, जी हाँ। और कल को ऐसा स्टेटमेंट आता है कि महाराष्ट्र को रामसार साइट्स रिसेंटली ही मिली हुई है, सही पूछ रहा है और सही बोल भी रहा है, अभी 2019 के बाद ही मिली है, ले इसके पहले यहाँ रामसार साइट्स नहीं हुआ करती थी, नहीं थी मतलब। ठीक है चलिए आ गई बात समझ में, अब बढ़ते हैं हम लोग। अब ये देखो लग गई ना बुरी कि इट्स कर्नाटका नॉट कर्नाटक, हिंदी में बोल रहा था मैं एक्चुअल में। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज उड़ीसा। उड़ीसा में जैसे ही आप आओगे तो
जब उड़ीसा याद कर रहे हो तो याद करो नल सरोवर कहाँ पड़ा था हम लोगों ने, गुजरात में। नंदुर माधवेश्वर कहाँ पड़ा था हम लोगों ने, और लोनार लेक कहाँ पड़ा था हम लोगों ने, कोल्लेरू लेक कहाँ पड़ा था हम लोगों ने, पढ़ लेना। अभी पोलिंग कराऊंगा मैं पूरे आधे भारत की यहाँ पर। और पॉइंट कैलिमेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर कनेक्ट करी थी, और सस्टम कोटा अष्टमुडी वगैरह कहाँ पड़ी थी। बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, ओडिशा में आ जाओ। ओडिशा में मतलब जब भी आपने, जब से तैयारी शुरू करी है जीवन में, यदि कोई भारत में लेख पढ़ा है सबसे पहले, समझ रहे हो मेरी बात, जीके के नाम पे यदि कुछ पढ़ा है सबसे पहला जीवन का लेख आपका, तो वो लेख चिल्काई झील है। तो ये चिल्का झील याद रखना, लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक जो बोलते हो आप। सलाइन क्यों कहते हो, क्योंकि ओशियन नजदीक है इसके। तो सर क्या ये लेगून लेक है? जी बिल्कुल लेगून लेक है सर ये। तो यही आता था सर, लेकिन आज सीख लेना कि ये रामसार साइट भी है, इसका मतलब इसका इंपॉर्टेंस भी बहुत है। कहाँ है? उड़ीसा में है सर। शाबाश, आगे बढ़ेंगे। भीतर कनिका मैंग्रूव्स बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, हिंदू न्यूज़पेपर में हफ्ते में एक बार जरूर सुनने को मिलेगा, प्रिंटिंग प्रेस से बाहर ना निकले यदि शब्द ना छपे तो, बहुत काम का है सर। भीतर कनिका को याद रख लीजिएगा, ऑलिव रिडली सी टर्टल्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पर वो ब्राह्मणी बैतरणी नाम की नदियां आती हैं जी सर। तो भीतर कनिका इंपॉर्टेंट है, ये नाम तो अच्छे से याद ही कर लेना, ठीक है? तो भीतर कनिका हुआ, गहिर माथा हुआ, और वो ऋषिकुलिया रिवर हुआ। हाँ, ऐसे शब्द तो पूरा उड़ीसा का यहीं पर मिलेगा आप। चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? टर्टल का नाम क्या बताया? ऑलिव रिडली सी टर्टल, ऑलिव रिडली, नेस्टिंग ग्राउंड्स है उनके सब यहाँ पे। अच्छा, क्यों सुंदरबन भी तो याद हो जाता है आपको बचपन से ही, मतलब स्कूल जा रहे थे तभी पढ़ लिया था आपने तो, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में। ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, जीके बहुत अच्छा है ना इसका, बता था मैंने आपको पहले भी, पाक स्ट्रेट जब आपने बता दी थी, और ग्रीस का कैपिटल आपको पता था, वैसे सुंदरबन भी आपको पता होते हैं बचपन से। ऐसे ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, ये बच्चों को याद ही नहीं हो पाता, मतलब कि कहाँ है मतलब बता ही नहीं पाते हैं, ईस्ट कोलकाता है ना। चलिए, कोई ऐसा तो नहीं कि नहीं सर ये तो कलकत्ता है, कोई छात्र तो नहीं ऐसा? तो वो ईस्ट कोलकाता जो है याद रखिएगा, भूलना मत। ओके सर, सर एक बार पोलिंग करा लेते तो क्या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता हमको कि कुछ कुछ तो याद हो ही गया करके, बजाय शर्त अपने को पता होना चाहिए कि कौन गुजरात है, कौन महाराष्ट्र है, और कौन कर्नाटक है, और ये डी है, और ये ई है। चलिए भैया शुरू करें, और कुछ रह गया क्या? बोले डी तो 2 बार यूज कर लिया आपने, और सी भी 2 बार यूज कर लिया, तो बोलते समय दो थोड़ी पूछूंगा मैं, एक ही कोई पूछूंगा ना, तो एक ही जगह होगा वो कहीं। मैं ऐसे थोड़ी क्वेश्चन पूछ लूंगा कि जो है सस्टम कोट्टा भी बताओ और नंदुर माधवेश्वर भी बताओ, आना तो एक ही है ना अपने को। फिर तो बताओ इसी बात पे कि वेयर इज भीतर कनिका मैंग्रूव्स, भीतर कनिका कहाँ होगा? भीतर कनिका, वाह, अरे ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ सुंदरबन है, ध्यान रखो भैया। कहाँ जाना चाह रहे हो? कहोगे सुदर्शन सर ने बोले वेस्ट बंगाल में पढ़ाए थे तो हमने वेस्ट बंगाल में लगा लिया, फिर से लगाओ। वेयर इज भीतर कनिका मैंग्रूव्स, वेयर इज भीतर कनिका मैंग्रूव्स। अब बताइए, मतलब मैं कितने प्रयास कर रहा हूं कि आपको चीजें याद हो जाएं, एक आध बार आप भी कर लो प्रयास थोड़ा। तो उड़ीसा में है, अब तो नहीं भूलोगे। चलो अगला सवाल, वेयर इज नल सरोवर, नल सरोवर, अब तुरंत याद आ जाएगा कि नल कहाँ लगा था। तो बोले सर, सर जी गुजरात में था, तो गुजरात में लगा दीजिए आप, तो आंसर सी होगा, नल सरोवर वेटलैंड जो मिलेगा आपको यहां पर देखने को मिलेगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं,
अगले सवाल की तरफ जाएं, और यदि हम आपसे पूछें कि बताओ वेयर इज कोल्लेरू लेक, सुन लेना ध्यान से, ये मत कहना उधर साउथ में है, तो कुछ भी लगा दिया, तमिलनाडु लगा दिया। हाँ कोल्लेरू लेक पता होना चाहिए, कोल्लेरू लेक इज इन आंध्र प्रदेश। बहुत बढ़िया, मिसटेप करना अभी आप लोग जो है, आई हुई चीजों को भी गलत करना है। आओ मिलके करें सही सवाल को गलत। वेयर इज लोनार लेक, लोनार झील, लोनार लेक जो है कहां पर है? यस मॉन्ट्रेस रिकॉर्ड इज मोर क्रिटिकली, जी हाँ। चलो तो ये अभी बताया था मैंने लोनार लेक, अभी बच्चों ने कहा बी लगा दिया, बी क्यों लगाया भैया? लोनार लेक एमपी में नहीं है, लोनार लेक महाराष्ट्र में है, लोनार लेक महाराष्ट्र में है, लोनार लेक महाराष्ट्र में है, तो ध्यान रखेंगे आप। लोनार लेक जो है कहां पर है? लोनार लेक कहां पर है? महाराष्ट्र में। आज मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में कुछ बच्चों की बड़ी समस्याएं हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये कर लिया है, तो अब मैं क्या करूँ आगे? देखो परेशान मत हो, अभी तो मुश्किल है इतने भीड़ में जो है चीजों को बताना। मैं किसी दिन ऐसे सेशन रख लूंगा जब आपकी जो समस्याएं हैं उनका हम निदान कर सके। तो कल मैंने बोला भी था कि मैं वीक में एक आध कोई सेशन इस तरह का लूंगा, प्लान कर रहा हूं मैं, तो आप अपने जो है डाउट्स उनको लिख के रखो, रिलेटेड विद द स्ट्रेटजी, वो हम फिर चर्चा कर लेंगे, तो चिंता ना करो। हाँ यूट्यूब पर ही रहेंगे तो दिक्कत नहीं रहेगी, आप जो भी समस्या है अपने लाइव कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। आप भुला रहे हो सर, भुला भी रहा हूं मैं, वेयर इज चिल्का लेक? उड़ीसा, ठीक है। चलो अब फाइनल एक क्वेश्चन का और आंसर दे लो। वेयर इज पॉइंट कैलीमेर? पॉइंट कैलीमेर कहां होगा? पॉइंट कैलीमेर कहां होगा? पॉइंट कैलीमेर जो दिख रहा है वो कहाँ होगा? हाँ तमिलनाडु की ओर जाने वाली गाड़ी, याद रखेंगे आंसर इज सी, पॉइंट कैलीमेर पता नहीं कहाँ लगाया है आप लोगों ने। जी हाँ प्रणय कह रहा है सर एमपी का पूछो, भोज वेटलैंड कहाँ है? खुश हो जाओ प्रणय, तुम भी जाओ, बड़े पुराने छात्र हो, बड़े दिनों से आ रहे हो क्लास में मेरी। मैं भी आ रहा हूं सर, मेरी तो कभी नहीं सुनी आपने। यहाँ प्रणय मतलब ऑल स्टूडेंट्स है ना, चिंता ना करो। अगला सवाल जो है, वेयर इज सस्टम कोटा अष्टमुडी वेम्बनाद? सस्टम कोटा अष्टमुडी वेम्बनाद। चलो भैया ये तो अपने को समझ में आ गया, अब एक बार जल्दी से इसको देख लो कि क्या क्या चीजें जो आप भूल गए थे वो जल्दी देख लीजिए और समझ लीजिए इस चीज को। हाँ तो ये अपना हो गया नल सरोवर, नंदुर माधमेश्वर, लोनार, भोज वेटलैंड, वेम्बनाद, अष्टमुडी, सस्टम कोटा, पॉइंट कैलीमेर, कोल्लेरू, चिल्का, भीतरकनिका, ईस्ट कोलकाता, सुंदरबन, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ो और जरा ध्यान से, अब अगले 2-3 मिनट काम के हैं थोड़े से, ठीक है? पहला काम की चीज तो ये है कि ये जो स्टेट है ये त्रिपुरा है, तो लिखो जरा त्रिपुरा में क्या मिलेगा? रुद्र सागर। और अब जरा मैप में देख भी लेना, उन छात्रों को कह रहा हूं जिनको थोड़ा मैप का आइडिया कम है, त्रिपुरा है कहाँ ये भी पता होना चाहिए, देख लेना कहाँ है ये त्रिपुरा, ठीक है? मतलब मैं ब्लैंक मैप में भी दिखा दूं आपको तो ये त्रिपुरा है, यहां मिलेगा रुद्र सागर आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जैसे ही हम लोग आगे जाएंगे तो ये वाला जो राज्य है ये होगा मणिपुर। हाँ और मणिपुर में जैसे ही आप जब जाओगे तो मणिपुर में आपको मिलेगा लोकटक लेक। और सर 1 मिनट, लोकटक तो मैंने कहीं और सुना था। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोकटक रामसार के साथ में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी है, और कुछ पुराने बच्चों को याद भी आ रहा होगा फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जी तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी आएगा ये। डांसिंग डियर मिलती है यहाँ पर, याद है? डांसिंग डियर मिलती है यहाँ पर, बियर नहीं डियर। हाँ डियर तो वैसे भी डांस करेगा। चलो तो ये लोकतक को याद रखना, भूलना मत, ठीक है?
सुन रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? चलो आगे बढ़ो। असम में दीपोर भील याद रखना है, लिख लो अभी, मैं याद में करा दूंगा। तो ये तीन बहुत काम के हैं सर, एक बार ब्लैंक मैप में दिखा दो तो जल्दी चीजें याद हो जाएंगी। तो देखो भैया यहाँ देखना, ये असम का जो है वो दीपोर भील है, ये न्यूज में आता रहता है, ठीक है? ध्यान रखना, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। और लोकटक लेक भी न्यूज में आता है, लोकटक लेक भी याद रखेंगे। इसके बाद में रुद्र सागर भी याद रखेंगे त्रिपुरा में। यहाँ आप गलती करोगे, अपने आप से बोलो, खुद से बोलो कि ये गलत नहीं होना चाहिए मुझसे। सुन रहे हो, खुद से बोलो जाके कि नहीं, दीपोर बिल सर ने पूछ लिया तो मेरा पोल असम में ही लगेगा। और उनको भी मैं कह रहा हूं कि जो बाद में लिखते हैं सर मिस टैप हो गया, तो ये टैप को बाहर करो, मिस को अलग करो और ध्यान दो। और अभी जो है मान के चलो कि अगली बार सही करूंगा, एक बार मिस टैप हो चुका है। और लोकटक लेक को याद रखना है मणिपुर में होगा, और रुद्र सागर को याद रखना है त्रिपुरा में होगा। सुन लिया सबने? गुड, वेरी गुड। आगे आ जाओ, अभी रिसेंटली बिहार में आपने सुना ही होगा, कनवर कवर झील, गंडक नदी पर, ऑक्सबो लेक में, जो ऐसे ऐसे लेक्स नहीं होते हैं इस तरह के बने होते हैं, ऑक्सबो लेक्स, जी हाँ। तो कवर झील को याद रखना है, बहुत काम का है सर ये। और कोई अपने से पूछ ले तो कहाँ है ये, तो ये जो है बिहार में है। कोई पूछे किस नदी पर ये लेक बना हुआ है, तो गंडक नदी पर बना है। गंडक नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है जी, याद रखना है, ये भी भूलना मत। तो कवर झील जी, और ये भी रिसेंटली एडअप हुए हैं, मतलब बिहार को पहला ही जो है रामसर साइट मिला हुआ है। क्यों? केवला देव घाना तो पता ही है अपने को, केवला देव कहाँ मिलेगा? राजस्थान में। ये भी क्या मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है क्या ये दोनों? बहुत बढ़िया, शाबाश। और ये भी तो आपको याद है, इसके नाम से आपने हमेशा सुना होगा कि राजस्थान में जब भी नाम लिया है आप लोगों ने सांबर लेक को तो सुना ही होगा, ये भी रामसार साइट में रहेगा, ध्यान रखना है अपने को, इंपॉर्टेंट है। तो केवला देव और सांबर दोनों को अच्छे से पढ़ लेना, अपनी आंखों को जो है ध्यान लगा लेना यहाँ पर, समझ रहे हो? और जैसे ही मैंने इसको ऐसा किया तो ये तो वो बन गया, एक स्कीम बन गई। कौन सी बन गई बताओ, कौन सी स्कीम बन गई बताओ, जल्दी बताओ। स्वच्छ भारत अभियान, शाबाश। तो कोई दिक्कत सांबर और केवलादेव? मुझे देखो ना, मतलब बस ये है, ये करना है आपको, इतना करने में तो जो है स्वच्छ भारत अभियान। तो सांबर हो गया, केवला देव हो गया, कवर झील हो गया, दीपोर भील, लोकतक, रुद्र सागर, और अभी उत्तराखंड को एक और मिला है, असन बैराज। ये वो यमुना रिवर से संबंधित है, असन बैराज, ये भी नया है, असन बैराज उत्तराखंड, बोल दो जरा खुद से, ठीक है? चलो तो यहां से हम शुरू करें एक बार, वेम्बनाथ को देखते हुए आप जब दौड़े तो अगला दौड़ते दौड़ते सष्टम कोटा देखा, अष्टमुडी देखा, इधर से आपने सोचा कि पॉइंट कैलिमियर से होते हुए, कोलेरू से होते हुए, चिल्का से होते हुए इधर आ गए आप वापस नंदूर माधवेश्वर, लोनार से नल सरोवर, और इधर भोज वेटलैंड से आते हुए इधर से भीतर कनिका, ईस्ट कोलकाता, सुंदरबन, त्रिपुरा में आ गए, रुद्र सागर, लोकटक। लोकटक में एक बार ये लगा देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, एक दो चक्कर लगा लिया आपने, देख लिया कि बहुत ज्यादा तकलीफ में ही है। आगे बढ़ गए, दीपोर झील देखा, कवर झील देखी, आगे गए कवर के बाद में केवला देव, वापस आए कवर को देख रहे हैं कि किस नदी पर था ये, गंडक नदी पर था, ऑक्सबो टाइप का लेक था ये, ऐसे सर्कुलर पैटर्न पे जो होते हैं, ठीक है? केवला देव के बाद में सांबर, सांबर के बाद में सुनाई दिया था कि भैया कोई उत्तराखंड में नया आया है अभी, असन बैराज यमुना नदी से रिलेटेड है, पढ़ लो, ठीक है? एक काम कर लेते हैं। अच्छा ऐसा किसी को लग तो नहीं ना बुरा सा कि अरे सर यूपी तो पढ़ाया नहीं आपने? पढ़ेंगे हम, चिंता ना करो ना, घबराना मत। बड़ी चिंता होने लगती है अपने अपने राज्यों की, मेरे राज्य में नहीं पढ़ाया, सब पढ़ेंगे, घबराओ मत। तो मैं आपसे जो कह रहा था, मैं क्या कह रहा था, ये लो ए, और ये बी, नहीं ए और बी और सी, और असम के लिए डी, और मणिपुर के लिए ई, और इसके लिए ए, इसके लिए बी, इसके लिए सी, इसके लिए डी, इसके लिए ई, इसके लिए ए, बी सी डी,
कोई बहाना बनाना है किसी को, मतलब बहाना बना लो तो बना लो, आंसर सही देना। वेयर इज असन बैराज? असन बैराज कहाँ होगा? असन बैराज कहाँ होगा? गुड, वेरी गुड, शाबाश। असन बैराज जो अपने को देखने को मिलेगा वो मिलेगा उत्तराखंड में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है, कहां पर जो है आपको देखने को मिल रहा है? सुनना ध्यान से, दीपोर बील। दीपोर बील कहाँ होगा? दीपोर बील कहाँ होगा? असम में होगा सर, असम में। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला सवाल, अगला सवाल आपसे पूछूं यदि मैं, तो आप मुझे बताएंगे लोकटक लेक का एग्जैक्ट लोकेशन। लोकटक लेक का एग्जैक्ट लोकेशन, एकदम क्रीम लर्नर बैठा हुआ है इस समय, आप जितने भागने वाले थे भाग गए आप, बिल्कुल एकदम जो आप बिल्कुल करके ही जाऊंगा वो वाले बैठे हैं एकदम। हाँ, मणिपुर, मणिपुर को याद रखना है आपको, मणिपुर। लोकटक आंसर इज ई, वेरी गुड, शाबाश। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, वेयर इज अष्टमुड़ी? अष्टमुड़ी लेक कहाँ होगा? अष्टमुड़ी लेक, अष्टमुड़ी लेक, अष्टमुड़ी लेक कहाँ होगा? अरे वाह, शाबाश, अष्टमुड़ी लेक जो मिलेगा वो यहाँ मिलेगा, वेरी गुड, वेम्बनाथ के पास, सस्टम कोट्टा के साथ। ये तो सर मैंने अपना नाम रख लिया था तो गलत कैसे हो सकता है, तो इसी बात पे फिर आप बताइए, वेयर इज नंदुर माधवेश्वर? नंदुर माधवेश्वर, नंदुर माधवेश्वर कहाँ मिलेगा? चलिए, घबरा गए, आधे बच्चे सी में बह गए। प्रभु ये मध्य प्रदेश है, एमपी है, ये महाराष्ट्र है, नंदुर माधवेश्वर महाराष्ट्र में है। हाँ फिर से लगाओ, वेयर इज नंदुर माधवेश्वर? नंदुर माधवेश्वर कहाँ होगा? तो आंसर इज बी जी, अब नहीं भूलना, महाराष्ट्र है ये। चलो अगला सवाल, वेयर इज, अब गलती नहीं करना, ये तीसरी बार पूछ रहा हूं मैं सवाल आज ये, भीतर कनिका मैंग्रोव कहाँ है? भीतर कनिका मैंग्रोव कहाँ है? भीतर कनिका मैंग्रोव जो है वो कहाँ मिलेगा आपको? वो लगा दिया बी, आधों का जीवन ना वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में, कंफ्यूजन है कि कहाँ वेस्ट बंगाल, मतलब वो तो सर तैयारी तो मैं क्या बाद में कर लूंगा, पेपर वेपर बाद में दे लूंगा, पहले मतलब जो है मैं इंडिया का मैप पढ़ के आऊंगा सर कल, मतलब ये हाल हो रखे हैं कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में जो है इकट्ठे हो जा रहे हैं, और रैंक वन ही चाहिए सर, मैं रैंक टू पे तो मतलब दोबारा अटेम्प्ट कर दूंगा एक बार और। हाँ अगला सवाल, वेयर इज करवर गंडक? चलिए शाबाश, तो करवर झील जो अपने को मिल रही है गंडक के साथ वो यहां पर मिलेगी, गुड शाबाश। कोई छात्र ऐसा है कि सारे पोल जिसके आंसर सही हुए हों? बहुत सारे हैं, 20 में से 20 चल रहे हैं इस समय तो, गुड गुड गुड, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ मतलब जब पढ़ ही रहे हैं ध्यान से तो फिर क्वेश्चन क्यों गलत होने चाहिए, शाबाश। अगला सवाल, अब आप मुझे बता दो इसी बात पे कि असन बैराज कहाँ पढ़ा है आपने? असन बैराज, असन बैराज कहाँ पढ़ा है? बहुत बढ़िया, ये दोबारा पूछा था, यही टेस्टिंग करने के लिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि नहीं क्लास में, क्लास में बैठना और आंखें खोल के सोना, समझ रहे हो, कला है ये, सब कोई कर नहीं पाता इतना। अगला सवाल, वेयर इज रुद्र सागर लेक? रुद्र सागर कहाँ है? रुद्र सागर, रुद्र सागर त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है। चलो इतना तो सर याद कर ही नहीं है, याद हो ही है मतलब फाइनली। आखिरी सवाल और पॉइंट, कैलीमेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताओ फिर, और लोकटक लेक पूछ लिया मैंने, तो क्या होगा आंसर? चलो
तो ये जो है ये टोटल अभी तो बहुत बाकी है, अभी कहाँ हो गए, अभी 42, इतनी भी गिनती खराब नहीं है मेरी अभी से। सर ये 42 हो गए, अभी से 42 हो गए, अभी थोड़ी देर तो रुको जरा, बहुत पढ़ेंगे अभी अपन, चिंता ना करो। चलो इसी बात पे जो है अब आप आएंगे यूपी में, उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, बट अब ये चीज हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, कल शाम को 7 बजे इकट्ठे हो जाएंगे, नहीं तो ये कल इसका एक सेकंड पार्ट आएगा शाम को 7 बजे, वी विल डिस्कस द सेकंड पार्ट, डोंट वरी। चलिए थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे। और जो है 26th ऑफ मई से नया बैच प्रारंभ हुआ है अकेडमी पर, जहां पर आपको फिनिक्स रिवीजन बैच मिल रहा है अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, मेंस के साथ। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको लाइव क्लास पढ़ाएंगे यहाँ पर, और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, SDYT10। कल 7 बजे मेरी क्लास रहेगी, नए लर्नर हो तो कमेंट के ऊपर एक टेलीग्राम चैनल दिख रहा है, ज्वाइन कर लीजिएगा उसको, आने वाली क्लासेस की लिंक वहीं मिलेंगी आपको। जी हाँ, इसके साथ साथ जो है हर संडे जो है सुबह 11 बजे टेस्ट होता है, इस टेस्ट को कोई भी लर्नर दे सकता है, अनअकैडमी के ऐप पर जाकर ये कॉम्बेट के नाम से आप रजिस्टर कर सकते हैं इस कोड से, SDYT10 से। इसके साथ साथ आइकॉनिक प्लस दोनों ऑप्शंस होते हैं सब्सक्रिप्शन के दौरान आपके पास, जहां पर गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, ये सब चीजें आपको आइकॉनिक में मिल जाएंगी। और प्लस में यदि आप ध्यान देंगे तो प्लस में जो है आपको भी लाइव क्लासेस, आस्क अ डाउट फीचर मिल जाता है। जी हाँ, और इस मंथ आपके पास एक ऑफर भी और है कि 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको मई के साथ साथ जुलाई तक जो है सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिल रहा है नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर का बिल्स भी आपका कवर हो जाएगा। जी हाँ, बाकी आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कल मिलेंगे 7 बजे। लेकिन जो भी छात्र हैं थोड़ा रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि तो कल मैं पहले शुरुआत में पोलिंग कराऊंगा, उसके बाद उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। बिल्कुल चलिए सर, वर्ल्ड का भी रामसार साइट पढ़ना जरूरी होता है? नहीं भैया, वर्ल्ड का नहीं पढ़ना, ठीक है, कोई बिल्कुल हिंदू न्यूज़पेपर वगैरह में आ जाए तो एक बार उसको बस देख लीजिएगा, बाकी इंडिया के अपने को पढ़ने हैं। प्लस कोर्स कब आएगा? प्लस कोर्स तो चल ही रहा है भैया मेरा, अपना भी फिजिकल चल रहे हैं, प्लस कोर्स तो मतलब रोज 4 घंटे तो प्लस पे मेरी क्लासेस रहती हैं वैसे भी। फोनडिस क्या था? फोनडिस वेजिटेशन वाला एरिया है जो आपको मिलेगा लोकटक लेक में, फ्लोटिंग वेजिटेशन जिसको हम कहते हैं, कभी फोटो देखिएगा तो आपको दिख जाएगा। जी हाँ ठीक है, वो कह रहा है कि सर वो क्वेश्चन डाउट क्लियरिंग सेशन होगा साकेत अभी 2-3 दिन बाद, तो आप प्लीज उसमें अपना पूछ लीजिएगा डाउट, है ना। ये मत सवाल सोचो कि सर कब क्या करते हैं, वो आप भी समझदार हो कि पढ़ा कैसे देंगे फिर, सर सवाल ही देखेंगे तो, है ना। तो आप डाउट क्लियरिंग सेशन में आप अपने डाउट्स बिल्कुल बताइएगा, स्वागत होगा आपके डाउट का। सर आपसे बात कैसे करें, सवाल हो तो पूछ लें, सवाल हो तो पूछ लें। डाइवर्जन से बना है नहीं, हॉटस्पॉट भी हो सकता है जीत, लोकेशन देख लेना उसका। आई वॉन्ट टू डू आफ्टर एनसीईआरटी ज्योग्राफी, क्वेश्चन लगा लो तेजस, यदि प्रॉपर पढ़ा होगा तो समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन बन जाने चाहिए 11th क्लास की एनसीईआरटी के बाद। एलिनो में पेरू करंट कैसे बंद हो जाती है? सिंपल है भैया, ये पेरू करंट है ऐसी, एलिनो में पूरा पानी जब ऐसा आएगा तो इसको वीक कर देगा, आने नहीं देगा सामने कि रुक जाओ, अपवेलिंग बंद कर देता है ना वो, इसलिए बंद हो जाती है। इधर दूसरी अपोजिट करंट तेज हो जाती है तो इसको बंद होना पड़ता है एनसीईआरटी। हाँ यूट्यूब पे आएगा, बिल्कुल आएगा, कह दिया तो बस आएगा, चिंता ना करो। और अभी बस रिसेंटली 1-2 हफ्ते में बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए शुरू होने वाली। चलो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच।